हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विश्वास शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 20 मई 2023 का यानी आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या अनुकूल रहेगा, क्या खुशखबरी आज के दिन प्राप्त हो सकती है, विशेष रूप से जानेंगे 12 राशियों के लिए। तो अधिक समय आप सभी का नहीं लूंगा, शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है वृषभ राशि में रहने वाली है। आज के दिन आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, अच्छा खासा धन कमा पाएंगे। आज आप नया वाहन, नया मकान अवश्य रूप से खरीद पाएंगे या उसकी योजनाएं अवश्य रूप से बन पाएंगी। वहीं पर व्यवसाय को लेकर जो अधिक समय से चिंताएं थी वो आज के दिन समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आप अपनी लव लाइफ को आपके विवाह संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज के दिन सबसे ज्यादा विशेष है। आज के दिन परिवारजनों से आप इस चीज पे चर्चा अवश्य रूप से पाएंगे। आपका पत्नी के साथ, आपके जीवन साथी के साथ आज पूर्णतः रूप से समय व्यतीत करेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छी खुशखबरी आज के दिन प्राप्त हो सकती है। साले सालियों से मुलाकात के अवसर आज के दिन प्राप्त होंगे। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति इस समय रहने वाली है लग्नेश में, तो लग्न में ही विराजमान है। वृषभ राशि में ही चंद्रमा इस समय विराज रहने वाले हैं, इसलिए आज के दिन आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी दैनिक आय बढ़ेगी। पत्नी के पूर्ण सहयोग आज के दिन आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपको बड़ा सहयोग आज के दिन प्राप्त होगा। साले सालियों से मुलाकात के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पर माता के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अचानक बड़ा सा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा एक नया चेंज आने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या आप लोहा संबंधित करते हैं, होटल वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह ये चीजें करते हैं, तो इसमें अच्छा खासा आपके कुछ अच्छे चेंजेस आज के दिन आप अवश्य रूप से कर पाएंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के। मिथुन राशि का जो चंद्रमा रहने वाला है 12वां रहने वाला है। आज के दिन आपका अत्यधिक खर्च होगा, आपका खर्च जो व्यय है बहुत ज्यादा होगी। आज आपको थोड़े से अपने खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आज आपके दिन आपका जो खर्च है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पर पत्नी ही इसमें अंकुश लगा सकती है और एक आप ही को इस तरीके से आज मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आज जितना हो सके आप अपना पर्स कमी बाहर निकालें, नहीं तो अधिक आपका खर्च खाली हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं पर आज के दिन विदेश संबंधित कुछ योग बन सकते हैं, विदेश से अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे। विदेश संबंधित अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट है तो उनसे आज के दिन बात अवश्य होगी और उनसे कोई नए बिजनेस को लेकर, कोई नए व्यापार को लेकर कोई नई चर्चाएं अवश्य आज के दिन होगी। बड़ा लाभ आपको आज के दिन प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ पैसा आज के दिन आपको प्राप्त होगा। जो मेहनत परिश्रम किया था उसका फल अभी तक नहीं मिला तो वो आज के दिन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन चीजों से आज के धन अर्जित कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति है, इसलिए थोड़ा सा आपको लोगों पे कम भरोसा करना है। आज आपको लोग धोखा दे सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के दिन मैं आपको कहना चाहूंगा अधिक से अधिक आप घर के बाहर निकले नहीं तो अच्छा होगा। अगर आप घर के बाहर निकले हैं है तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खर्च अत्यधिक हो सकता है। वहीं पर अगर आप इन चीजों में शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग अगर आज के दिन आप अगर सोने की करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सोने की ट्रेडिंग आज के दिन आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर माइनिंग वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पर एनर्जी सेक्टर में, इन चीजों में आप इन्वेस्ट आज के दिन कर सकते हैं। आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी शाम के समय परेशानी हो सकती है, खांसी जुकाम थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं सिंह राशि और पिता से थोड़े मतभेद अवश्य रूप से हो सकते हैं। व्यापार में थोड़ी परेशानी आज के दिन आपको झेलनी पड़ सकती है। नौकरी में कलीग आपके कुछ ना कुछ ऐसी चुगली लगा सकते हैं जिनसे बाद की स्थिति अवश्य रूप से बन सकती है। वहीं पर संतान संबंधी परेशानियां आज के दिन दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों की बात की जाए तो मामा पक्ष बाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। विदेश से अच्छे खासे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा आज के दिन विदेश से धन अर्जित कर पाएंगे। वहीं पर बात करें पैतृक संपत्ति या कोर्ट केस अगर आपका कोई चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर, या छोटा सा भी कोर्ट केस अगर चल रहा है, सरकारी पक्ष से आपका कोई लेना देना है, तो आज के दिन थोड़ा सा आपको बचाव रखना है। आज अगर कोई केस वगैरह के लिए हियरिंग के लिए जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा अवॉइड करें। अपने वाणी पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी के माध्यम से कुछ ऐसे निकल जाए, मंगल आपके वाणी स्थान में विराजमान हो रहा है, जिस वजह से आप वाणी से ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिससे आपकी बात की स्थिति बन सकती है। आप जो नहीं चाहते वो चीजें आपके मुंह से अवश्य रूप से निकल सकती है। तुला राशि वालों की आज आपके पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। लग्जरी लाइफ जीने का आज बहुत अच्छा दिन प्राप्त हो रहा है। आज आपके पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, आपके अच्छे चुने गुने मित्र है उन्हीं लोगों से आज के दिन आपके मुलाकात होगी। एकदम अप टू डेट रहेंगे आज के दिन और अच्छे कहीं घूमने जा सकते हैं।
फ्री में मेरे का आज के दिन मिल सकते हैं। कहीं बाहर अगर यात्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो आज के दिन अवश्य रूप से जा सकते हैं, टूर वगैरह अवश्य रूप से कर सकते हैं। आज के दिन बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे, उनसे कोई बड़ा लाभ आज के दिन आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन थोड़ी सी चिंता करने की स्थिति रह रही है, सर दर्द आपका आज रह सकता है, थोड़ा सा बालों को लेकर थोड़ी सी कुछ चिंता बढ़ सकती है, सर दर्द आपका बढ़ सकता है, बालों से थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आज के दिन आपको बाहर चलाते समय थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता है, चोट चपेट अवश्य रूप से लग सकती है। धनु राशि वाले आज अपने करियर को लेकर एक नया चेंज अवश्य रूप से करेंगे। आज आप कोई भाग्योन्नतिकारी विकास पूर्ण योजनाएं अवश्य रूप से बना सकते हैं, आज कोई नया चेंज अपनी लाइफ को लेकर करेंगे। संतान संबंधी अच्छी खुशखबरी आज के दिन आपको प्राप्त होगी, पत्नी का सहयोग पूर्ण रूप से आज के दिन आपको प्राप्त होगा, माता से थोड़ी सी अनबन अवश्य रूप से हो सकती है। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी लोग हैं तो अच्छे खासे आज के दिन परिणाम आप हासिल करेंगे, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे वो एग्जाम के क्षेत्र में। मगर राशि वालों की बात की जाए तो आज के दिन आप व्यवसाय में बहुत अच्छा उछाल ला सकते हैं, व्यवसाय में नए नए इस तरह जो आप व्यवसाय सोच रहे थे, कोई अधिक समय से कोई व्यवसाय अगर आपने सोच के रखा था तो आज के दिन उस व्यवसाय को आप फील्ड में ला सकते हैं, आज उसको रणनीति बना सकते हैं। आज आपको अचानक पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों की बात की जाए तो आज के दिन आपको थोड़ा सा अपने से लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, ये लोग आपके कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न अवश्य रूप से करा सकते हैं, आपकी आंखों संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य रूप से हो सकती है। तो आज मैंने आप सभी को बताया मीन राशि वालों के आज का दिन सबसे ज्यादा बेहतर जाने वाला है, क्योंकि आज धार्मिक यात्रा है, धार्मिक योजना अवश्य रूप से बनेगी। वहीं पर थोड़ा सा आपको संतान संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है, सिर्फ शाम के समय थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अवश्य रूप से हो सकती है। तो आज मैंने आप सभी को बताया 12 राशियों के लिए 20 मई 2023 का यानी आज का राशिफल कैसा जाएगा 12 राशियों वालों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही डेली राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं इसी चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे आपके लिए उपलब्ध हो रहा हूं। राधे राधे। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।